इसको क्या हुआ था? हम लोग आ रहे थे, हमें सर हम सर इनको छोड़ के गुरुपुर छोड़ के तो संगीतपुर के नीचे से आ रहे थे, वहाँ पर एक सर बता था तीन बंदे से होगा उन्होंने इनको हाथ दिया, ये रोका बोलते आपकी तलाशी लेनी, उन्होंने हमारे बाजू का चेक किया, मतलब बाजू आपके ठीक है तो सर साथ में हमारे फोन भी उसी दौरान जब गाड़ी में थी तो यही लेके होंगे, कौन ले जाएगा? कुल कितने पैसे ले गए आपसे? हाँ जी कुल कितने पैसे ले गए? कैश की बात कर रहे हो? कैश पाँच हज़ार तीन सौ ले गए। चलो ए टी एम से 500 पैसे लग लिया, ठीक है तेल बनाने के लिए 4000 रुपये लग गया, तेल पाया 500 पाए। देखिए हमारे पास एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ सुबह कि शाम सिंह जो हैं जिला प्रशासन के रहने वाले पंजाब के रहने वाले पिछले शाम अपने दोस्तों के साथ बंगाल से गुजरे, उन्होंने बताया कि वहाँ पर पुलिस का नक्शा लगा और रोक के इनके साथ मारपीट की, इस चीज़ का उन्होंने पुलिस कभी पैसे भी डिमांड या किस तरह इस आरोप पे कॉग्निजेंस लेते हुए बड़ा सीरियस दिखाते हुए हमने तुरंत इनकी जो शिकायत दर्ज करी, इसमें जो भी आरोपी पुलिस वाले थे उन्होंने एफ आई आर दर्ज करी। सर इनका नाम था, कौन सा सी गाड़ी? हमने फिलहाल 323, 344 आई पी सी में ली थी, 384 आई पी सी में मामला दर्ज कर लिया। अभी हमने एफ आई आर करी है, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आपके जैसे ही कोई मामला आपको बता दें। तो मैं अपने घर से रास्ते कर गया और ये इंसान जो रवली कुमार कट के रास्ते मोटे कट के रास्ते से निकल जा रहे थे अपने काम के लिए, तो रास्ते में आर के स्टील के बाद दो पुलिस वाले जो वर्दी में थे और दो सिविल में, तीन लोगों ने इनको रोका और इनके साथ मारपीट की और उनके पर्स में से पैसे निकाले और बाद में इनके साथ फिर मारपीट की और उनको बाद में डरा धमका के मोटरसाइकिल अलग अलग दोनों को डमकाल और मंगल भूर में अपने बाइकों में तेल डलवाया, उनके एटीएम कार्ड स्वाइप करके और स्वाइप करके इन्होंने वहाँ से कैश है। सर ये जो उनकी पर्स में थे कैश ये था 5301 और 4001 और 4000 का इन्होंने स्वाइप किया और 500 का तेल डलवाया और 400 का। अच्छा तो हुआ ये सारा वाकया ये पुलिस के द्वारा किया गया, तो आप पुलिस से क्या आशा रखते हैं? सर हम यही आशा रखते हैं कि इन जो ये जो भी पुलिस वाले हैं इनको पूरी तरह बेनकाब किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस आई है टिकटा रोकने के लिए और अगर यही लोग ऐसे लूट मार करेंगे आप लोगों के साथ तो पुलिस का जनता पर से पूरी तरह से विश्वास उड़ जाएगा। अभी क्या चाहते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई? इन पर एफ आई आर दर्ज की जाए और जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई बनती है वो इन पर की जाए ताकि बाकी लोगों को भी इससे सख्त मिले।